मेरा आप लोगों के साथ सेशन होगा जीके पे प्लस उर्दू। बच्चों मैं जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के वो मैं एट द एंड ऑफ डेमो क्लास लूंगा, क्योंकि आपको पता है बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है, तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपरली? ओके बच्चों, गुड हो गया। लेट्स स्टार्ट जीके। जनरल नॉलेज सबसे पहले होता क्या है हमारे पास? जनरल नॉलेज एक बहुत ही वास्ट डोमेन है जिसका पीपीएससी में खास तौर पे अच्छा खासा कोटा होता है, खास तौर पे जो सूबाई लेवल के जितने भी हमारे पास टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जैसे कि सिंध में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, उसके अलावा पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अटेंड करती है, तो सिमिलर केपीके में और इसी तरह हमारे पास बलूचिस्तान में भी आता है। तो जीके का मेजर पोर्शन जो होता है ये सूबाई लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन इसका बहुत सारा पोर्शन हम कह सकते हैं कि फेडरल लेवल पे, फेडरल लेवल पे थोड़ा कम होता है, लेकिन इसकी एक डोमेन होती है जो कि पूछी जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि जीके जो होता है और करंट अफेयर, इसमें तकरीबन मैक्सिमम मैचिंग होती है, तो ये गलत बिल्कुल नहीं होगा। इसको मैं आपको फर्दर प्रूव भी करूंगा। तो जैसे जैसे हम आपको जीके पढ़ाते जाऊंगा उसी तरह से आपका मैक्सिमम जो करंट अफेयर होगा वो भी क्लियर होता जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि जीके 80% कैसे करंट अफेयर से सिमिलर है। हमारे पास आता है जी करंट अफेयर। मैं जरा कोड फॉर्म यूज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास करंट अफेयर में आते हैं। करंट अफेयर हमारे पास होता क्या है? बच्चों को जब बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इनको खास तौर पे कह दिया जाता है कि आप लोग करंट अफेयर न्यूज देखें, न्यूज में आप डेली बेस पे बैठ के न्यूज लिखें, और उसके अलावा आप अपने करंट अफेयर इस तरह से रेडी करें, या डिफरेंट वेबसाइट से जाएं और अपना जो करंट अफेयर उसको रेडी करें। वेबसाइट्स अच्छी होती हैं, मैं वेबसाइट को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो एक हमारे पास डोमेन है ना, इसमें ज्यादातर बच्चे जो मार खाते हैं वो करंट अफेयर ही होती है। अब करंट अफेयर में हमें जो करने वाली चीज होती है वो क्या क्या होती है, असल समझने वाली बात ये होती है। तो करंट अफेयर में सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं कुछ डोमेन्स आती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे पास पहले आती है इकोनॉमिक डोमेन, ठीक है? इकोनॉमिक डोमेन में देख लें, आज ही अभी रिसेंटली आपका बजट पेश हुआ है, बजट में आपका बजट के मुताबिक आपके क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह के मिलिट्री बजट इस साल कितना रखा गया है और लास्ट ईयर कितना रखा गया था, या करंट डेफिसिट हमारा कितना है, तो वो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी इकोनॉमिक डोमेन में आती हैं। इस बजट को खास तौर पे आपको देखना चाहिए करंट अफेयर के रेफरेंस से। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स आ जाती हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह हमारे पास फुटबॉल फेडरेशन है, उसके बाद क्रिकेट की हमारे पास डोमेन आ जाती है, उसके अलावा भी बहुत सारी डोमेन आ जाती हैं। फिर कोई इवेंट हो गया है, मतलब कोई अच्छा खासा इंसिडेंट हो गया, जैसे हमारे पास कुछ अर्सा पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें श्रीलंकन मैनेजर जो के सियालकोट का वाकया हुआ था, जिसमें प्रियंथा कुमारा उसको मार दिया गया था, किल कर दिया गया था। सिमिलर हमारे पास कुछ मेजर पर्सनैलिटी होती हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की हुई है, या हुर्रियत थी 2021 में हुई थी डेथ। तो ये चीजें हमारे पास नोट करने देते हैं। उसके बाद खास तौर पे कुछ विजिट आ जाते हैं जो कि वजीर आजम हमारे मुल्क का दौरा करता है, तो वो ये जो खास इवेंट होते हैं ये हमारी करंट अफेयर की डोमेन में लाई कर रहे होते हैं। और इन्हीं की जो इसी इन्हीं करंट अफेयर की अगर हम लोग प्रीवियस हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि वही तकरीबन हमारे जीके में भी लाई करता है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता चलता हूँ कि किसी साल में कोई इवेंट बहुत मशहूर हुआ है, तो
वो एक खास डोमेन की वजह से, एक खास मकसद की वजह से जब वो हिट हो जाता है तो वो आपका जीके का हिस्सा बन जाता है। हमें हम लोग हमारे पास इतना जीके होता है, अगर आप वर्ल्ड की जीके की स्टडी करने बैठो तो इतना जीके है जितना के आप कवर करने बैठ जाओ आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन आपका जीके कवर नहीं होगा। हमें क्रैक क्या करना है, हमें क्रैक करना है अपना वन पेपर, ठीक है? और वन पेपर क्रैक करने के लिए आप लोगों ने आजकल जरूर सुना होगा कि स्मार्ट स्टडी। अब जितने भी पेपर आ रहे हैं, खा वो CSS हो, खा वो कोई भी कमीशन का पेपर हो, उसमें हमें स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरत है, जिसमें हम लोग कम टाइम में अपना ज्यादा हिस्सा कवर कर सकते हैं। हमें हमारे जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उनकी साइकी समझने की जरूरत है कि वो किन पार्ट को हिट करते हैं, ठीक है? तो अब ये जो हमारा करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया कि इन इन डोमेन में आता है, जो जैसे जैसे मैं आपको जीके करवाता रहूंगा, आपका जनरल नॉलेज कवर करवाऊंगा, सिमिलर इन द वे हमारा करंट अफेयर भी काफी सारा कवर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं, हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, तो किस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का कोई विजिट किया है या पाकिस्तान के मुतल्लिक कोई इवेंट हुआ है, किसी को कोई तमगा मिला है, कब मिला था, क्यों मिला था, वजह क्या थी, तो ये तमाम चीजें जो है हमारे करंट अफेयर का भी कहीं ना कहीं हिस्सा होती हैं और हमारे जनरल नॉलेज का भी हिस्सा बन जाती हैं। तो आज क्योंकि हमारा आपको एक साथ डेमो लेक्चर है, इसमें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ कि एक डोमेन उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाती है नोबेल प्राइज की डोमेन हम लोग उठा लेते हैं। अब नोबल प्राइज सबको पता है कि जिन्होंने पहले पेपर दिया हुआ होगा उन्हें जरूर पता होगा कि नोबल प्राइज एक बहुत ही अहम डोमेन है जिसमें से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन उठाता है, खासतौर पे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा लास्ट ईयर, जिन्होंने FIA का एग्जाम दिया, जिन्होंने कमीशन का कोई भी एग्जाम दिया है, तो उन्हें जरूर पता होगा कि ये जो नोबल प्राइज वाली डोमेन है ना जीके की, ये जीके की भी डोमेन है और करंट अफेयर की भी डोमेन है। हर साल का जरूर, अभी जो रिसेंटली हमारे पास आए हैं वो भी जरूर पूछे जाते हैं, और जो प्रीवियसली गुजर चुके हैं वो हमारे पार्ट बन जाते हैं जनरल नॉलेज का, जिनकी हमें नाउ हाउ होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको बात करूं कि लास्ट ईयर का हमारे पास करंट अफेयर था जिसमें हमारे जो नोबेल प्राइज मिले थे वो मिले थे हमारे लिटरेचर में मिले थे, अब्दुल रजाक गुलना को मिला था, ठीक है, जिनका ताल्लुक तंजानिया से था, तो ये मुस्लिम कंट्री है, इसका भी आपको जरूर पता होना चाहिए। सिमिलर इन द वे हमारे पास नोबल पीस प्राइज लास्ट ईयर जो मिला था 2021 में, जो नोबल पीस प्राइज मिला था वो मिला था दो बंदों को, एक थी उनमें जी मारिया रिसा, और सेकंड हमारे पास जो थी वो सॉरी था वो था जी डिमिट्री मोरोटो। अब ये लास्ट ईयर में इस डोमेन को, इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा उठाया गया कि मारिया रिसा का ताल्लुक कहाँ से था, इनका ताल्लुक फिलिपाइन से था, ठीक है, और डिमिट्री साहब का ताल्लुक कहाँ से था, इनका ताल्लुक रशिया से था, और इनको नो इन दोनों बंदों को नोबल पीस प्राइज मिला था। अब ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन बंदों ने अपना जो नोबल प्राइज था ना, नोबल पीस प्राइज, उसको सेल आउट कर दिया था। डिमिट्री साहब ने अपना नोबल पीस प्राइज सेल आउट किया था, और उसकी उन्होंने जो लागत थी वो सेल आउट किया था 103.5 मिलियन डॉलर। अब देखें लास्ट ईयर का करंट अफेयर था हमारे पास कि नोबल पीस प्राइज किन को मिला है, नोबल पीस प्राइज मिला है डिमिट्री साहब को और मारिया रिसा को, ठीक है? अब ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए जीके में किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि डिमिट्री साहब ने कब और क्यों अपना नोबल पीस प्राइज सेल किया, नोबल पीस प्राइज कितने का उन्होंने सेल किया, नोबल पीस प्राइज उन्होंने सेल किया था 103.5 मिलियन डॉलर का, और क्यों सेल किया था कि उन्होंने कहा था, ये बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे,
रशियन जर्नलिस्ट थे और इन्होंने इसलिए जो यूक्रेन में जंग चल रही थी उसके लिए इन्होंने अपना नोबल पीस प्राइज सेल आउट कर दिया था, ठीक है, और इसलिए ये हमारे पास एक जीके की डोमेन में भी लाई कर जाता है। तो ये तो मैंने आप जस्ट एक एग्जांपल दी है कि कैसे हमारा करंट अफेयर हमारे जीके की डोमेन बन जाता है। आप ये ध्यान में रख लें कि ऐसा करंट अफेयर जो किसी ना किसी दौर में हमारे पास फेमस रहा है तो वो ही हमारा जीके बन जाता है और वहीं से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हमारे जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है जीके के, वो उन्हीं खास इवेंट्स को, उन्हीं खास चीजों को जो किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी अरसे में मशहूर रहे हैं उसको हमारे जीके की डोमेन में उठाता है। तो मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा कि नोबल प्राइज के बारे में हमने कैसे चलना है। नोबल प्राइज, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि नोबल प्राइज है क्या, ये क्यों दिया जाता है। हमारे पास एक बंदा था जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इस बंदे का नाम सबने ही तकरीबन सुना हुआ होगा। इनकी इन्वेंशन थी डायनामाइट, जिनका थोड़ा बहुत साइंस से या केमिस्ट्री से ताल्लुक रहा है तो उन्हें समझ लग जानी चाहिए कि डायनामाइट एक ऐसी धात है जो कि हमारे बॉम्ब एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होती है, ठीक है। अब इन्होंने ये बना दिया। अब इनसे मिलती जुलती शक्ल होता क्या है कि इनसे मिलती जुलती शक्ल का एक बंदा ना, बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, और अखबारों में, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था रुझान के किस तरह से पता चलाया जाए, तो बंदे की डेथ हो जाती है जो इनसे मिलता जुलता होता है, तो अखबारों में छप जाता है जी कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डाइड, यानी कि जो जिसने मौत को बनाया था वो खुद मर गया। तो इसको ये सोच के बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही परेशानी होती है कि यार मुझे कैसे लफ्जों में याद किया जाएगा मेरे मरने के बाद। तो ये ऐसा करता है कि अपनी एक बची खुची रकम उठाता है और कुछ एक इनाम देने की बात करता है उन लोगों को जिन्होंने इंसानियत इंसानियत के लिए कोई एक ऐसा काम किया हो कि जो दुनिया में किसी और बंदे ने ना किया हो, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे तमाम चीजों पे नोबेल प्राइज दिया जाता है जो कि इंसान इंसानों के लिए बहुत ही मायना खेज है या इंसानों के लिए उन्होंने बहुत जदीद चीजों में हेल्प की है। तो होता ये है कि इसकी डेथ हो जाती है 1896 में। ये बंदे का ताल्लुक कहाँ से होता है? इस बंदे का ताल्लुक होता है स्वीडन से प्लस नॉर्वे से। अब मैंने स्वीडन प्लस नॉर्वे क्यों लिखा है? 1896 में ये दोनों जो रियासतें थी ये एक ही बादशाह के अंडर आती थी। जब हम लोग फर्दर मतलब आगे मूव करते जाएंगे, जीके को भी देखते जाएंगे और करंट अफेयर को भी देखते जाएंगे, तो अभी आपने पिछले दिनों का एक बड़ा फेमस करंट अफेयर था कि ताजपोशी जो हुई है यूके में मलका बर्तानिया की डेथ के बाद, तो उनकी उनका ताल्लुक कहाँ से था, ठीक है, स्वीडन का वहां से क्या रिलेशन बनता है, ये सब हम लोग अपने जीके में भी देखेंगे और अपने करंट अफेयर में भी साथ साथ देखते आएंगे। तो मैं बता रहा था कि स्वीडन और नॉर्वे ये दोनों एक ही बादशाह के अंडर आते थे। होता ये है कि ये अनाउंसमेंट पहले होती है कि जो नोबल प्राइज दिया जाएगा वो 5 डोमेन में दिया जाएगा। कितने डोमेन में दिया जाएगा जी? 5 डोमेन में, ठीक है। अब ये 5 डोमेन होती कौन कौन सी हैं? इनमें सबसे पहले आ जाती है हमारे पास पीस प्राइज, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जनाब लिटरेचर, उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, अच्छा ये जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखिए,
केमिस्ट्री, फिर इसी तरह मेडिसिन या फिजियोलॉजी। अच्छा, ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी दोनों एक ही है, मतलब कि या मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में, इनमें से किसी एक में। जब ये स्टार्ट होता है तो ये पांच फील्डें तय की जाती हैं कि इनमें जो बंदा पूरी दुनिया से कोई ऐसा काम करे जो नोहे इंसानी के लिए बहुत ही मायना खेज हो, या कोई ऐसी इजाद करे या कोई ऐसा मुआयदा करवा दे जिससे कि दुनिया में या कई रियासतों में सुकून पैदा हो जाए, कोई जंगी हालत खत्म करवा दे, उसमें अपना किरदार अदा करे, तो उस चीज को हम लोग देखते हैं कि ये जो है ना उसको, उस बंदे को नोबल प्राइज दिया जाएगा। अच्छा, ये नोबल प्राइज दिया कब जाता है? नोबल प्राइज दिया जाता है, सॉरी थोड़ी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोबल प्राइज जनाब दिया जाता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और सबसे पहला जो नोबल प्राइज दिया गया था वो गया था 10 दिसंबर 1901 में। अब ये 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? 10 दिसंबर को इसलिए नोबेल प्राइज दिया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर जो है ये अल्फ्रेड नोबल साहब जो हमारे हैं, इनकी डेथ का दिन है, इनकी डेथ एनिवर्सरी का दिन है, तो इसमें हमारे पास ये दिया जाता है नोबल। अच्छा, उसके बाद नोबल प्राइज जिसको दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी नोबल लोरेट। उसको नोबल लॉरेट कहा जाता है। इसी तरह फिर होता क्या है कि कुछ अरसे के बाद हमारे पास एक और डोमेन ऐड कर दी जाती है जिसको कहते हैं जी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी हमारे पास ये ऐड कर दी जाती है। अच्छा, एक बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन पूछा जाता है कमीशन के एग्जाम में कि ऐसी कौन सी डोमेन है जिसमें नोबल प्राइज नहीं दिया जाता, तो उसमें लिखा होता है कि ये सारी डोमेन, ये जो मैंने लिखी है, 6 से पहले 5 थी, फिर 6 हो गई, तो उसके बाद और किस में नहीं दिया, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है स्पेस में, मतलब जो स्पेस की इवेंट्स की जाती हैं, तो उसमें नहीं दिया जाता। उसमें क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि स्पेस बहुत वास्ट है, उसमें आए रोज कोई ना कोई नई ईजाद होती रहती है, नई दरियाफ्त होती रहती है। तो इस तरीके से हम लोग अपने नोबेल प्राइज को कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो है हमारा सबसे पहले कौन से मुस्लिम को दिया गया। मुस्लिम जो हमारे पास थे अनवर सादात साहब, उनको दिया गया, अनवर सादात। अब इनको क्यों दिया गया? इनको इसलिए दिया गया कि इन्होंने इजिप्ट, मिस्र जिसे हम मिस्र कहते हैं, इजिप्ट और इसराइल, इसराइल के बारे में सब लोग को पता ही होगा, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान एक मुआहिदा करवाया था, उनके ताल्लुकात को हमवार किया था। ये मुस्लिम थे, इजिप्ट से इनका ताल्लुक था, ठीक है, और इन्होंने मुआहिदा करवाया था 1978 में, और मुआहिदा करवाने की वजह से ही इनको नोबल प्राइज दिया गया था, नोबल पीस प्राइज, के इन्होंने पीस कायम किया है इसराइल और इजिप्ट के दरमियान। तो अब जिस मुआहिदे के तहत दिया गया था वो मुआहिदा कौन सा था? वो था हमारे पास कैंप डेविड अकॉर्ड। जिस तरह आपने पिछले ही दिनों मतलब 2021 में आप लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड का सुना होगा, ठीक है, उसके अलावा भी जो जो अकॉर्ड इसराइल के रिलेटेड आ चुके हैं उनके बारे में भी हम लोग अपने जीके की डोमेन में ही फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नोबेल प्राइज, ये तो मैंने आपको एक जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि इसमें क्या क्या होगा, इसमें फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, कौन से ऐसे बंदे थे जिन्होंने डिनाई किया, लेने से डिनाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक डोमेन आया, हमारे पास जो पाकिस्तानी थे जिनमें डॉक्टर अब्दुल सलाम है सबसे पहले, जिनका ताल्लुक जंग से था, ठीक है, ये कहाँ पर दफन है? ये है ऑक्सफोर्ड में, ठीक है, सॉरी यूके में दफन है ये, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने तालीम अपनी रिसर्च की थी। अब इनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने यूनिफाई किया था वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
जो इंटरेक्शन होता है उसको इन्होंने यूनिफाई किया था, जिसकी वजह से इनको फिजिक्स की फील्ड में 1979 में हमारे पास जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है, और फिर इनकी डेथ हो जाती है 1996 में। ठीक है, तो इन्होंने फिर अपना इनका नोबेल प्राइज शेयर किन किन के साथ हुआ था उसमें हम लोग देख लेते हैं कि हम इनका पहले था ग्लाशोव, और सेकंड बंदा था वो हमारे पास था स्टीवन विंग्सबर्ग। सॉरी यार, स्टीवन विंसबर्ग इनके साथ इन्होंने शेयर किया था। अब हमारे पास हमारा एक और बंदी आती है जिसके बारे में आप सबको पता है, वो है अपना मलाला यूसुफजई। ठीक है, जिनका ताल्लुक कहाँ से था, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मलाला यूसुफजई का ताल्लुक कहाँ था, स्वात से उनका ताल्लुक था, और इनको कब मिला, इनको 2014 में मिला, यंगेस्ट है, 17 ईयर ओल्ड थी जब इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब इनके साथ एक और क्वेश्चन आता है जिसको बच्चों को पता ही नहीं होता कि इन्होंने भी अपना नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था, और किसके साथ शेयर किया था, उनका नाम था जी कैलाश सत्या अर। इनका ताल्लुक था जी इंडिया से, और इन्होंने काम किया था चाइल्ड लेबर के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जाती है उसमें इन्होंने काम किया था। सिमिलर इन द वे हमारे पास ओल्डेस्ट कौन है, उसके अलावा कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग फर्दर स्टडी भी करेंगे, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ है, उनके प्रेजिडेंट का क्या नाम है, वो क्यों फेमस है, उनका काम क्या है, क्यों उनको नोबेल प्राइज दिया गया है, या क्यों किसी को कोई प्राइज नहीं दिया, या किन की क्या डोमेन है, किसकी कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर है, जो कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर के लिए भी फेमस है और जीके के लिए भी फेमस है। सिमिलर इन द वे मैं आप लोगों को लेके चलूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग फर्दर करेंसीज हैं, एजेंसीज हैं, कहाँ पे है, कौन सी क्यों इम्पोर्टेंट है, और यानी कि ईच एंड एवरी थिंग जो कि जीके की डोमेन से होगी वो भी आपकी कवर हो जाएगी, और सिमिलर इन द वे मैक्सिमम करंट अफेयर भी आपका कवर हो जाएगा हर डोमेन से ही इंशाल्लाह, जिसमें आपकी स्पोर्ट्स भी होंगी जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जब जीके कवर होगा, करंट अफेयर भी साथ कवर होगा, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर्स आ रहे हैं FIA के पेपर आ रहे हैं उसमें भी आपका मैक्सिमम जो है ना मैक्सिमम करंट अफेयर क्लियर। सॉरी, थोड़ी सी नेट का मसला आ गया था। तो मैं आपके जीके की डोमेन की बात कर रहा था। इसके बाद हमारे पास FIA मतलब फेडरल के पेपर्स में तो नहीं आती उर्दू, लेकिन कम ही कोई क्वेश्चन या कोई मुहावरा वगैरह कम ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ही पूछ लिया जाता है इंग्लिश में। उर्दू की डोमेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उर्दू में हम लोग देखेंगे उर्दू की तारीख कहाँ से स्टार्ट होती है, उर्दू में उर्दू की ग्रामर में हमें क्या क्या करना चाहिए, तखल्लुस और लकब कुनियत, उसके बाद हमारे पास नज़म गज़ल नावल अफसाना कहानी मतला मक्ता रदीफ काफिया, मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हम लोग फेमस बुक्स देखेंगे, फेमस नावल के बारे में देखेंगे, कुछ उर्दू लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ जो हमारे पास मुहावरात आ जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं, इस सब के बारे में हम लोग मैक्सिमम चीजें डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ थोड़ा सा डेमो था जिसमें मुझे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना था।
तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जब आपके साथ अट्रैक्शन होगी तो इंशाल्लाह लेके चलेंगे चीजों को। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर सकते हैं आप लोग। बिलाल, ज्योग्राफी आपको सर इकराम पढ़ाएंगे। सर शाहवेज आपको जो है जीके पढ़ाएंगे और उर्दू पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे आपको चीजें। आपको आइडिया हो गया होगा आज के लेक्चर में। फीस बेटा 2 मंथ्स का सेशन है। इसमें फी आपकी 2 मंथ्स की 5,000 है। डेली आपकी क्लास होगी, ठीक है, जूम ऐप पर, और वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है मैं नंबर एक दफा दोबारा शेयर कर देती हूँ, वो उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। और जिनकी पिछली 2 डेमो लेक्चर्स जो है क्लासेस मिस हो गई हैं, उनको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है या कोई भी डिटेल्स चाहिए सेशन के रिलेटेड, वो मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है ना डिटेल्स ले सकते हैं।